नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के हम बात कर रहे हैं दूसरे दिन के हाइलाइट्स के बारे में, जो कि होने वाले हैं, जो हम बताने वाले हैं ब्लाइंड क्रिकेट IPL का, जो कि देहरादून में खेला जा रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब आज के पहले मुकाबले में इंडिया ग्रीन ब्लू के विरुद्ध भिड़ रही थी, तो इंडिया ग्रीन के बल्लेबाजों ने पहले दिन के दृश्यों को ही पुनरावृत्त किया। उनके गेंदबाजों के साथ ही साथ उनके बल्लेबाजों का भी प्रदर्शन आज काफ़ी खराब रहा। उनके बल्लेबाजों ने पिछले दिन की ही तरह कोई साझेदारी नहीं बनाई, लगातार विकेट्स खोते रहे। प्रवीण ने शानदार 70 रन जरूर बनाए और पारस ने भी 32 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम 170 ही रन बना सकी। 174 रन किसी तरह से बनाने के बाद टीम 175 डिफेंड करने उतरी और शुरू से ही स्ट्रगल करते हुए नजर आई। जब इंडिया ब्लू के गेंदबाजों ने शुरुआत की, तब काफ़ी नियंत्रण में नज़र आए। इंडिया ब्लू के कप्तान विनीत ने शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट चटकी। साथ ही साथ इंडिया ब्लू के ही तरफ से साइश परिकर ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देके 3 विकेट निकाले। इस जवाब में 175 रन के टोटल को काफ़ी आसानी से भी चेस कर लिया गया। इसमें स्वप्निल के शानदार 75 रन थे 46 गेंदों में। उनके द्वारा इस बेहतरीन पारी के वजह से वो एक तरफा तरीके से मैच जीतने में कामयाब रहे। स्वप्निल के इस इनिंग्स के वजह से इंडिया ब्लू ने काफ़ी वन साइडेडली मैच जीत लिया और अपने आप को एक बड़े ही मजबूत पोजीशन में स्थापित कर लिया। जब इंडिया रेड की टीम खेलने नजर आई इंडिया येलो के विरुद्ध, तब हमें नहीं पता था कि सडनली एक बहुत ही सादा रन फेस्ट हमें देखने मिलने वाला है। जब इंडिया रेड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्हें शुरू में काफ़ी सारे एक्स्ट्रास भेंट में दिए गए। लगातार वाइड और नो बॉल्स होती रही और लगभग 62 से भी ज़्यादा रन्स एक्स्ट्रास में खर्च कर दिए गए, जिसमें से 37 तो वाइड्स के ही रूप में खर्च कर दिए गए। ओवरथ्रोज, वाइड्स, नो बॉल्स के वजह से स्कोर काफ़ी आगे बढ़ा। बल्लेबाज अक्षय ने शानदार 36 गेंदों में 68 रन बनाए और गौरव ने शानदार 38 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली। उन दोनों ही बल्लेबाजों की पारी के वजह से ही टीम काफ़ी आगे तक पहुंच पाई और 284 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। अंत में कप्तान आफ्ताब पटेल ने आतिशी पारी खेलते हुए 13 गेंदों में 30 रन बनाए। उनकी इसी पारी के वजह से टीम 284 रन बनाने में कामयाब रही। 240 से 284 तक के सफ़र में उनका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा। उनके तेज इनिंग्स के बदौलत टीम ने 280 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया। साथ ही बाकी बल्लेबाज जैसे कि गौरव ने और साथ ही साथ अक्षय ने टीम को बेहतरीन लीड दर्ज की। उसके वजह से ही काफ़ी आसान से इस मुकाबले को इंडिया येलो की टीम के विरुद्ध इंडिया रेड ने जीत लिया। इंडिया रेड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 203 रन पर ही रोकने में कामयाब रहे इंडिया येलो के बल्लेबाजों को। इंडिया रेड के तरफ से बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहां पर गौरव ने एक कॉटन बॉल निकाला जो कि एक महत्वपूर्ण विकेट हरीश का विकेट था। वही एकमात्र बल्लेबाज थे जो इस टीम के विरुद्ध स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। एक लोन फाइटर की तरह उन्होंने 28 गेंदों में 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं इंडिया येलो के बाकी बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उसी वजह से टीम सिर्फ 203 रन बना पाई। छोटे मोटे कैमियोस के वजह से ही टीम आगे पहुंची, लेकिन यहां भी एक्स्ट्रास की समस्या साफ दिखी। एक बेहतरीन जीत के बाद इंडिया रेड और इंडिया ब्लू आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। कल के मुकाबले से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट्स, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और तीसरे दिन की हाइलाइट्स के साथ हम ज़रूर आपसे वापस मिलेंगे। धन्यवाद।